हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम फिर लेकर के आ गए साबूदाना की रेसिपी। साबूदाना से बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देर न करते हुए चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, एक कप साबूदाना को लिया था। साबूदाना को मैंने पहले से ही धुल करके भिंगो दिया था। तो यहाँ पर साबूदाना को धुल करके इसमें इतना ही पानी लगाना है जितने में ये साबूदाना फूल जाए और इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाना कितनी अच्छी तरीके से फूल गया है और ये ड्राई भी है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही साबूदाना को हमें तैयार कर लेना है नाश्ते के लिए। चलिए आ जाते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया था, डाल दिया इसमें हमने कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। तो जीरा को अच्छी तरीके से चटक जाने देंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें आगे का इंग्रेडिएंट। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आए और आप भी इस रेसिपी को बना पाएं। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए जीरा जो है हमारा अच्छे तरीके से चटक गया है। तो इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची, और लाल मिर्ची डालने के बाद इसमें हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिला देंगे। और मिर्ची डालने के बाद इसमें तुरंत हम जो है पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने जो है 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है, 1 कप ये पानी पहले डाल दिया है, और अब डालेंगे इसमें 1 कप पानी और 2 कप पानी का पूरा जो है नाश्ते में इस्तेमाल किया है। अब पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे, पानी में बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसे चला देंगे। और अब पानी में एक बॉयल आने देंगे, जब बॉयल आने लगेगा तब इसमें हम आगे की चीज़ों को ऐड करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है, खौलने लगा है, तब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है, और इसमें हम धीरे धीरे करके पानी में डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुलटियाँ पड़ जाएगी। और धीमे धीमे डालते हुए लगातार इसे चलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर गैस को आपको लो फ्लेम पर रखना है। ये देखिए चावल का आटा इस तरीके से जो है देख सकते हैं बढ़िया से ये मिलने लगा है, इसमें बिल्कुल भी गुलटियाँ नहीं पड़ रही हैं। और धीमी आंच पर ये देखिए लगातार चलाते हुए चावल को ये देखिए अच्छे से पका लिया है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम आटे के डो के फॉर्म में आ गया है। तो बस हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे यहीं पर और इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स एक बार नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ता आपको पसंद आएगा। और आप चाहे तो बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं ये नाश्ता, और मेहमान आए तब आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसे लंच और डिनर के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसे थाली में निकाल लिया है और इसे ठंडा थोड़ा सा होने दिया है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा और चीज़ों को ऐड करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने लिया है उबले हुए आलू, और आलू को आपको ठंडे करके ही लेना है। यहाँ पर गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आलू को बॉईल करके रख दीजिएगा फ्रिज में, ठंडा हो जाए तब इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए आलू को कद्दूकस कर लेते हैं, और आलू को एकदम महीन वाले कद्दूकस करना है, बहुत मोटे वाले से नहीं करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गुलटियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है भी कद्दूकस कर लीजिएगा। और नाश्ता जितना भी आप लोग की फैमिली के हिसाब से बना रहे हो आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है आलू को कद्दूकस कर लिया है आवश्यकता के अनुसार। इस नाश्ते को आप 15 मिनट के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, और नाश्ता भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए यहाँ पर आलू हमारा कद्दूकस हो गया है, इसमें डाल देते हैं अब आगे का इंग्रेडिएंट। अब फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम भींगे हुए साबूदाना। तो साबूदाना को यहाँ पूरा नहीं डालना है, आधा ही डालना है अभी, आधा हम बाद में इसमें डालेंगे आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर डाल देते हैं स्वाद के अनुसार फिर से नमक। नमक मैंने यहाँ पर सेंधा नमक इस्तेमाल किया है, और नमक यहाँ समझ कर डालेंगे, क्योंकि चावल का आटा में जब हमने बनाया था तब उसमें भी हमने नमक डाला था। तो बस नमक को यहाँ पर समझ कर ही डालना है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं ढेर सारी हरी धनिया। हरी धनिया एकदम बढ़िया से डाल दीजिए इसमें, हरी धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है नाश्ते में। और फ्रेंड्स अब इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर। यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर जो है 1/4 चम्मच इतना डालना है आपको,
और इसको स्किप ना कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा नाश्ते का स्वाद बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है नाश्ता खाने में। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अमचूर का पाउडर। अमचूर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देते हैं। तो बढ़िया से इसे जो है आप 1 चम्मच से मिला दीजिए, और चम्मच से नहीं मिला पा रहे तो हाथ से ही मिला दीजिए। तो चलिए मैं हाथों से ही इसे अच्छे से मिला देती हूँ, ताकि जो नमक हमने डाला है ना वो बढ़िया से इसमें मिल जाए, और जो इसमें साबूदाना डाला है ना वो भी अच्छी तरीके से इसमें मैश हो जाना चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसे दबाते हुए प्रेस करते हुए आप जो है इसमें मैश कीजिए, साबूदाना बढ़िया से घुट जाना चाहिए। और आगे भी इसमें देखिए थोड़ा सा साबूदाना जो बचा हुआ था उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब फ्रेंड इसमें थोड़ा सा और भी इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर ये देखिए 1 कप मैंने लिया था हरी वाली स्प्रिंग ऑनियन, प्याज यहाँ पर इसे हमने जो है अच्छी तरीके से साफ कर लिया था और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसे काट करके इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची मैंने जो है यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्ची लिया था जिसे बारीक काट करके डाल दिया है। और तीखा अपने स्वाद के अनुसार आप रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा तीखा और चटपटा सा नाश्ते को बना रहे हैं, और इसमें कोई मसाले का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल बिना मसाले का इस नाश्ते को बना करके हम तैयार करेंगे। और इसमें कोई मसाला हम नहीं डालेंगे, अगर आप डालना चाहें तो कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, पर ये ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग एक बार ट्राई करना। और अब फ्रेंड इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर आप बेसन भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो इसमें सत्तू भी डाल सकते हैं, सत्तू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए बेसन को डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल वाली तीखी वाली मिर्ची। तो बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस नाश्ते में, और अब फिर से एक बार अच्छे से इसको मिला देंगे। सत्तू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है इस नाश्ते में, और सत्तू पेट के लिए फायदेमंद भी है, और आप लोग चाहे तो इसमें सत्तू भी मिला सकते हैं, मैं कभी कभी सत्तू भी मिला करके इस नाश्ते को बनाती हूँ। तो चलिए अब ये तैयार है नाश्ता बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब यहाँ पर एक स्टीनर लेंगे, स्टीनर में लगा देंगे सरसों का तेल, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा साबूदाना और चावल के आटे का पेस्ट देखिए लेंगे, और इस तरीके से थपथपाते हुए एक पूड़ी का आकार इसे हम देंगे। तो थोड़ा सा ये देखिए इसे बस आप जो है हल्के हल्के हाथों से इसे जो है चपटे चपटे से ये देखिए आप करते रहिए, और ये बहुत अच्छे से ये पूड़ी का आकार ले लेगा, और स्टीनर से बनाने से ये इजीली निकल आता है। और बहुत ही केयरफुली आप इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए, और इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे। और ये देखिए जैसे ही एक साइड हो जाएगा हम इसके साइड को चेंज कर देंगे, और इसे उलटते पलटते जो है दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी जो चावल के आटे की साबूदाना की जो ये पूड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, ये बनने के बाद तो क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, खाने में इतने ज़्यादा स्वादिष्ट है कि आप इसे किसी भी सब्जी, किसी भी चटनी, किसी भी रायते के साथ में सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को व्रत के लिए भी बना सकते हैं, जैसे हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है, बेसन ऐड किया है, आप उसे स्किप करके उसमें कुट्टू का आटा या फिर आप सिंघाड़े का आटा डाल करके इस पूड़ी को बना सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पूड़ी है क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राई हो रहा है, सारी पूड़ियों को इसी तरीके से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो है सारी पूड़ियाँ, सारे नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब आप इसे चाहे तो चाय के साथ में, चाहे तो किसी सब्जी के साथ में, या फिर चटनी रायता किसी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। तो आप लोगों को आज की रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी नई नई रेसिपी जब भी हम अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिले। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को रेसिपी जो है दिखा पाए, समझा पाए, ताकि आप लोग भी आराम से इसे बना लें। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए हमने इसे ग्रीन सॉस रेड सॉस के साथ में सर्व किया है, इंजॉय किया है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ऐसी एक नई रेसिपी के साथ में हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।